हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में, दैट इज अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर कंडीशंस एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए बच्चों कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो कभी भी आप किसी कंट्री को कंपेयर करते हो, जैसे आप इंडिया को कंपेयर करते हो यूएस से, तो आप बोलते हो कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, यूएस का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। इंफ्रास्ट्रक्चर को कंपेयर करने के लिए हम उसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हम फर्दर डिवाइड करते हैं तीन पार्ट में, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ऐसे ही सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डिवाइड करते हैं तीन पार्ट में, हेल्थ, एजुकेशन एंड हाउसिंग। तो जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशन क्या थी इंडियन इकोनॉमी की एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसमें पहला पॉइंट हम लेके चलते हैं कि ब्रिटिश रूल में ऐसा नहीं है कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर डेवलपमेंट नहीं करी, लेकिन उन्होंने जितनी भी डेवलपमेंट करी उन्होंने अपने पर्सनल फायदे के लिए, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए करी। उन्होंने हर उस चीज़ को उतने लेवल तक ही डेवलप करा जिससे उनकी इकोनॉमी में थोड़ा सा बूस्ट आए इंडिया की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने चार चीज़ों को बनाया इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, चार मेजर चीज़ों का उन्होंने डेवलपमेंट किया, लेकिन अप टू एन एक्सटेंट कि वो उन्हीं को फ़ायदा करे। तो पहली जो चीज़ थी जो उन्होंने बनाई, दैट वॉज दे हैव मेड ऑल सीजन रोड्स इन इंडिया। ऑल सीजन रोड्स यहाँ पर मतलब क्या है कि इंडिया में पहले कच्चे रास्ते बनाए जाते थे जो कि बारिश के टाइम पे आके थोड़े ख़राब हो जाते थे, जिनको बार बार रिपेयर्स की ज़रूरत पड़ती थी। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा, इंडिया में कुछ रोड्स बनवाई जो कि ऑल सीजन रोड्स, मतलब कि ख़राब ना हो बारिश में, ऐसी रोड्स बनाई। इंडिया को सिखाया कि रोड कैसे बनाते हैं। उन्होंने कुछ प्लान्ड वे में स्ट्रक्चर तैयार करे जो कि रोडवेज के थ्रू कनेक्ट कर सके हम स्टेट को डिफरेंट, जिससे कि सामान एक जगह से दूसरी जगह इजीली ले जाया जा सके, थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन को बेटर बनाने के लिए, जिससे वो रॉ मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सके, स्पेशली पोर्ट्स तक लेके जा सके। ये पोर्ट्स क्या थे, ये इनकी सेकेंड चीज़ थी, सेकेंड डेवलपमेंट थी। इन्होंने क्या करा, पोर्ट्स बनाए इंडिया में, सी लेन्स बनाए इंडिया में, इंडिया को ट्रेड करना सिखाया सी रूट्स के थ्रू कि किस तरीके से इंडिया ट्रेड कर सकता है दूसरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, दूसरी कंट्रीज के साथ। लेकिन ऑफ कोर्स उन्होंने ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगाई कि इंडिया का मोर देन 50% ट्रेड जो था सी रूट्स के थ्रू वो उन्हीं के साथ था, एंड रेस्ट ऑफ द ट्रेड जो इंडिया ने करा भी वो ज़्यादा से ज़्यादा श्रीलंका, चाइना और ईरान के साथ किया, जो कि रेस्ट ऑफ द 50% था। और वो उसमें भी इतने ज़्यादा टैक्सेस लगाते थे इंडिया के अंदर जिनसे सारा का सारा प्रॉफिट ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ही जाए। तो पहली चीज़ जो उन्होंने डेवलप करी, दैट वॉज कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल वेदर रोड्स। सेकेंड चीज़ उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने डेवलपमेंट करी इनलैंड ट्रेड एंड सी लेन्स। इनलैंड ट्रेड उन्होंने कैसे प्रमोट करा, उन्होंने उड़ीसा में एक कैनल सिस्टम तैयार करा जिससे वो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। बट अगेन वो इतनी हाई कॉस्ट पे उन्होंने इंडिया के लिए बनाया कि इंडिया को उस रूट से कभी प्रॉफिट जनरेट ही नहीं हुआ और उसे आखिरी में आके बंद करना पड़ा। उन्होंने एक और चीज़ जो बनाई अच्छी, दैट वॉज रेलवेज। उन्होंने रेलवेज इंडिया में ट्रेंड जो स्टार्ट करा, रेलवेज को बनाया, वो ब्रिटिश की ही देन थी। रेलवेज उन्होंने कब तैयार करी, उन्होंने 1950 में इंडिया के अंदर पहली रेल जो है उसका कंट्रीब्यूशन दिया। उन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल को थोड़ा इजी बनाने की कोशिश की ताकि हम ज्योग्राफिकल बैरियर्स को हटा सकें, लेकिन साथ साथ उन्होंने क्या करा, इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम को इतना डेवलप नहीं होने दिया कि वो उस रेलवे रूट से वो कनेक्ट हो सके, एक पूरी कंट्री में आउट स्प्रेड हो सके। तो रेलवेज का भी इतना बेनिफिट उन्होंने इंडिया को नहीं लेने दिया, उन्होंने रेलवेज को उतने लेवल तक ही पहुँचाया जितने की उनको ज़रूरत थी और इंडिया को उसका बेनिफिट नहीं लेने दिया। एंड द फोर्थ थिंग वॉज पोस्टल सिस्टम विच वॉज स्टार्टेड इन 1837 बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो पोस्टल सिस्टम पूरा का पूरा, टेलीग्राम्स और ये सब बनाना, लेटर्स भेजना, ये सब जो ट्रेंड्स थे 1837 में इंडिया में स्टार्ट किए गए पोस्टल सिस्टम पूरा का पूरा। और ये क्यों स्टार्ट किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ये चाहती थी कि कोई ऐसा सिस्टम हो, कम्युनिकेशन सिस्टम, जिससे वो अपने ऑफिशियल लेटर्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट में पहुँचा सके, जिसके लिए उन्होंने इंडिया के नाम पर फंडिंग करके ये पोस्टल सिस्टम डेवलप तो करा, लेकिन इंडिया का जो डोमेस्टिक यूज़ था वो कभी भी उस पोस्टल सिस्टम से पूरा नहीं हुआ।
लोग अपने आप को एक दूसरे से इतने इजीली कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे, ये बहुत हैवी और बहुत कॉस्टली माना जाता था पोस्टल सिस्टम। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट सिर्फ अपने यूज के लिए ही इसे प्रमोट करती थी, ना कि डोमेस्टिक यूज के लिए या हाउस होल्ड के लिए। तो ये चार चीजें, अगेन आई एम टेलिंग यू, चार चीजें कौन सी हैं? पोस्टल सिस्टम, सी लेन्स, रेलवेज एंड ऑल वेदर रोड्स, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एज इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में डेवलप करा ड्यूरिंग देयर रूल।